लोगों के दिलों पर राज करने वाले भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में एंट्री होने जा रहा है। उनकी यह एंट्री वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। एक अंग्रेजी वेबसाइट को उनके प्रवक्ता ने रिपोर्ट किया है जिसमें कि यह कहा गया है कि फिलहाल जो खेसारी लाल यादव है वो लंदन में है, एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। 28 अक्टूबर को मुंबई पहुंचते ही वह बिग बॉस शो में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खेसारी लाल यादव प्रीमियम एपिसोड में ही एंट्री लेने वाले थे लेकिन वर्क कमिटमेंट के चलते वह ऐसा नहीं कर पाए। 2012 में रिलीज हुई फिल्म साजन चले ससुराल से खेसारी लाल यादव को भोजपुरी पहचान मिली थी। इसके बाद वे कूली नंबर वन, छपरा एक्सप्रेस, जलवा और दिलवाला जैसे भोजपुरी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। शनिवार के वीकेंड वार एपिसोड में सलमान खान ने बताया कि सीजन के दो फिनाले होंगे। उन्होंने कंटेस्टेंट को कहा कि दो सप्ताह में पहला फिनाले होगा और सिर्फ 3 पुरुष और 3 महिला प्रतिभागी ही शो में हिस्सा ले पाएंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि पहले फिनाले में एलिमिनेट हो चुके कंटेस्टेंट को हर दिन बिग बॉस देखना होगा और सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करनी होगी। उन्होंने शो पर बुलाया जाएगा जहां उन्हें सवालों का जवाब देना होगा। जवाबों के अधिकार पे उन्हें अगले सेशन के लिए घर के अंदर भेजा जाएगा। पिछले सप्ताह से दलजीत कौर और कोयना मित्रा बाहर जा चुकी है। अपकमिंग विकेट वार में भी डबल एनिमेशन होगा और नॉमिनेट कंटेस्ट को रश्मि देसाई, आसिया रियाज, माहिरा शर्मा, अबू मलिक, सिद्धार्थ डे और पारस छाबरा में से किन्हीं 2 सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाएगा। इसके बाद एलिमिनेटेड तौर पे वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होगी वो होगी खेसारी लाल यादव की। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।